लुधियाना में कदम रखते ही राहुल गांधी ने सुबह सुबह मचाया भयंकर गदर, भाजपा में मचा बवाल। यहाँ को चले की भारत जोड़ो यात्रा अमृतसर से होते हुए अब पंजाब के लुधियाना में प्रवेश कर चुकी और सुबह सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भयंकर कदर मचा दिया। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताई चले की 7 सितम्बर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल हरियाणा को पार करते हुए पंजाब में पहुंच चुकी है। बताया चले की आने वाले समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना में प्रवेश करते ही सड़कों पर जिस तरीके जन सैलाब उमड़ आया, उससे तो यह साफ हो गया कि आने वाले समय में राहुल गांधी कुछ न कुछ नया करिश्मा जरूर करने वाले। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में भी एक केवल टी शर्ट में ही भारत जोड़ो यात्रा करते हुए नजर आ रहे और प्रतिदिन 25 किलोमीटर पद यात्रा भी राहुल गांधी इस दौरान कर रहे, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रही, आने वाले लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील हो पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का आए दिन कोई ना कोई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है, ये सवाल खड़े किए जा रहे। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह सुबह भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ आई है, इससे तो यह साफ हो गया कि राहुल गांधी कुछ न कुछ जरूर करिश्मा 2024 में करने वाले। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।